good morning children how are you all i hope you are fine at your places so let's start with english lesson so today we'll be doing grammar glee of lesson eight so what is there in the grammar today today we will be studying the use of and and but बेटा दीज वर्ड्स आर यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस ये जो वर्ड्स हैं ना एंड एंड बट ये कोई दो वर्ड्स को या कोई दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के जोड़ने के काम आते हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं जॉइनिंग वर्ड्स पर अभी आप जॉइनिंग वर्ड्स में सेंटेंसेस या वर्ड्स को जॉइन नहीं करेंगे बस आप ये सीखेंगे कि एंड कहाँ लगेगा एंड बट कहाँ होगा सो लेट्स स्टार्ट आई विल बी शोइंग यू फ्यू एग्जाम्पल्स इट विल बी मोर क्लियर टू यू देखिए आई हैव बुक एंड नोटबुक इन माई बैग बच्चों देखिए हम एक बुक की बात करें और एक नोटबुक की बात करें जो चीज़ें काफी सिमिलर हैं तो यहाँ पे एंड यूज़ होता है इस तरह की चीज़ों में नाउ सी द नेक्स्ट वन माई मदर बेकड केक एंड कुकीज देखिए केक एंड कुकीज मेरी मम्मा ने बनाया केक एंड कुकीज शी बॉट ड्रेस एंड शूज़ उसने ड्रेस और शूज खरीदे सो so, एंड का मतलब और ठीक है अब आप आगे चलिए तो आपको सी राम इज टॉल बट हिज ब्रदर इज शॉर्ट राम लंबा है पर उसका भाई छोटा है यहाँ पे हम बिल्कुल दो अपोज़िट चीज़ों की बात कर रहे हैं एक टॉल है और एक शॉर्ट है तो इसलिए हमने यहाँ पर बट यूज़ किया है समझ आया आपको जब हम किसी बिल्कुल दो अलग चीज़ों के बारे में या बिल्कुल अपोजिट चीज़ों के बारे में बात करेंगे वहाँ पे बट यूज़ होगा लेट्स सी द नेक्स्ट वन आई लाइक चिप्स बट माई फ्रेंड लाइक कैंडी सी चिप्स एंड कैंडीज़ आर वेरी डिफरेंट चिप्स आर सॉल्टी सा बट कैंडीज़ आर रियली वेरी स्वीट सो दीज टू थिंग्स आर रियली डिफरेंट तो हम यहाँ पर बट यूज़ करेंगे ओके सो सी द नेक्स्ट वन आइसक्रीम इज कोल्ड आइसक्रीम बहुत ठंडी है बट टी इज़ हॉट यहाँ पर भी ये जो चीज़ें हैं इनकी क्वालिटीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है हॉट एंड कोल्ड सो वी आर यूजिंग बट हेयर ओके चिल्ड्रन, सो जब हम बहुत ही अलग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे वहाँ पे यूज़ होगा बट और जब हम कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे बुक्स एंड नोटबुक्स केक्स एंड कुकीज़, इस तरह से बातें करेंगे तो वहाँ पे एंड यूज़ होगा सो लेट्स ट्राई दिस यहाँ कोशिश करेंगे सीखने की चिल्ड्रन वॉक डैश प्ले इन द पार्क चलते हैं खेलते हैं एंड आना चाहिए या बट आना चाहिए बट तो नहीं आना चाहिए ना चिल्ड्रन वॉक बट प्ले नो चिल्ड्रन वॉक एंड प्ले इन द पार्क चलते हैं खेलते हैं पार्क में नेक्स्ट रिया लाइक पॉपकॉर्नस डैश हर सिस्टर लाइक चॉकलेट्स रिया को पॉपकॉर्नस पसंद है उसकी सिस्टर को चॉकलेट्स पसंद है बहुत ही दो अलग चीज़ें हैं पॉपकॉर्न और चॉकलेट्स वेरी डिफरेंट इन टेस्ट सो वील बी यूजिंग बट वी सो एलिफेंट्स डैश लायंस इन द सर्कस एलिफेंट्स लायंस ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स So, हम यहाँ लगाएंगे एंड एलिफेंट्स देखे और लायंस देखे सर्कस में इट इज़ कोल्ड आज बहुत ठंड है डैश आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम बट आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम ठंडी तो है पर फिर भी मुझे आइसक्रीम खानी है नेक्स्ट वन इन समर्स इट इज़ हॉट डैश सनी हॉट एंड सनी गर्म गर्मी होती है और बहुत धूप होती है आई रैन आफ्टर द कैट मैं कैट के पीछे भागा डैश कुड नॉट कैच हर पर बट आई कुड नॉट कैच हर पर मैं उसे पकड़ नहीं पाया माई डैड डैश आई आर गोइंग फ़िशिंग दिस आफ्टरनून मैं और मेरे डैड आज फिशिंग के लिए जा रहे हैं यहाँ क्या आएगा

सो so, यहाँ पे मीनू और नितिन को ज्वाइन रहा है एंड सो लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल मीनू इज़ वेयरिंग अ रेड फ्रॉक एंड ब्लू शूज़ मीनू ने रेड फ्रॉक और ब्लू शूज पहने हैं ठीक है मीनू हैज़ लॉन्ग हेयर बट नितिन हैज़ शॉर्ट हेयर देखिए मीनू के बाल लंबे हैं पर नितिन के बाल छोटे हैं हेयर वी टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट थिंग्स यहाँ पे एक के बाद लंबे और एक के बाद छोटे तो ऑपोजिट आ रहा है यहाँ पे सो वी विल बी यूजिंग बट हेयर सो लेट्स डिस्कस दीज अंडरलाइन अंडर सेंटेंसेस आई लाइक केक्स डैश आइसक्रीम्स आई लाइक केक एंड आइसक्रीम सब खाने पीने की मीठी मीठी चीज़ें हैं माई ग्रैंड मा इज़ ओल्ड मेरी ग्रैंड मा ओल्ड हैं डैश हेल्दी बट हेल्दी वो ओल्ड हैं पर हेल्दी हैं नीडा डैश आई प्ले ऑन द स्विंग्स नीडा एंड आई नीडा और मै आई लाइक टू स्विम डैश माई फ्रेंड्स लाइक टू स्केट मुझे स्विम करना पसंद है पर मेरी फ्रेंड्स को स्केट करना पसंद है पर मतलब बट फाइव वॉवल्स एंड ट्वेंटी वन कॉन्सनेट्स टूगेदर मेक ट्वेंटी सिक्स लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट पाँच वॉवल्स और ट्वेंटी वन कॉन्सनेट्स मिल के ट्वेंटी सिक्स लेटर बनाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के तो चिल्ड्रन होप मुझे आपको ये सब समझ आया होगा अगर आपको समझ आया होगा तो फिर आ, Thank you children.